आपके कर्मचारियों की जो भावना है उसका सम्मान करो। इसके बारे में आज बातचीत करने वालों में आपसे, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। समित्रबन कोऑपरेटिव बैंक, इसका मैं चेयरमैन हूँ। आपके एम्प्लॉय जो है, आपका जो स्टाफ, आपके जो कर्मचारी है, उनका, उनके भावनाओं का आदर करो, उनको पहचानो, लोगों को पहचान दो कि आप उनको पहचानते हैं। ऐसा उनको जानना जरूरी है कि आप उनको पहचानते हैं। आप जब किसी को सम्मान देते हैं, किसी को पहचान बताते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि अपना सम्मान हुआ, अपने को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आप अपने को पहचानते हैं अपने बॉस, है ना। देखो, मान सम्मान ये फ्री मिलता है, कोई खरीदने नहीं पड़ता, मगर मान सम्मान देके लोग एक अलग लेवल पे, एक ऊंचे लेवल पे काम करना चालू कर देते हैं। इसलिए मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप आपके कर्मचारी को एक अलग जॉब असाइन करते हैं, जॉब देते हैं, तो आपको मालूम है कि ये कर्मचारी वो जॉब के लायक है, वो कर्मचारी वो काम करेगा, और वो जो जॉब करता है तो उसको उस दिन का पेमेंट भी उसके लिए उसका मिलता है। तो पेमेंट मिलता है तो उसको लगता है कि कोई मुझ पर एहसान नहीं किया हुआ है, पेमेंट दिया मतलब, मगर मान सम्मान किया तो उसको लगता है कि हाँ ये एक्स्ट्रा है, उसको अच्छा लगता है फिर मान सम्मान दिया तो। लोगों को मान सम्मान आप अलग अलग तरह से दे सकते हैं, स्टाफ को मान सम्मान अलग अलग तरह से आप दे सकते हैं, और वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोग पहचान जाएंगे कि नहीं भाई ये इनकी लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि जब मान सम्मान किसको देते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये मान सम्मान देना, पहचानना, वो कैसे हो सकता है? कुछ कुछ बातें हैं चंद की जो एकदम आसानी से की जाती है। हर व्यक्ति को आप ग्रीट करते हो, मतलब हेलो करते हो, और बहुत प्लेजेंटली करते हो, बहुत खुशी से हेलो करते हो, स्माइल से हेलो करते हो, तो एक मान सम्मान होता है। जब आप ऑफिस में, दफ्तर में घूमते हैं तो किसी को हाय हेलो करते हो, स्माइल करते हो, थोड़ा सा कोई चैटिंग करते हो, किसको सुनते हो, तो एक वो भी एक मान सम्मान का तरीका हो सकता है। जब आप किसी से बात करते हो तो आप मान सम्मान से बात करते हो, आंखों में आंख डाल के बात करते हो, और आप एक रिस्पेक्ट देके बात कर रहे हैं तो उसको समझ आता है कि आप रिस्पेक्ट देके बात कर रहे हैं। एक एरोगेंटली बात करना, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, अरे कारे करके बात करना, और एक जी करके बात करना, आइए जी, बैठिए जी, है ना, ऐसे आप जब बात करते जी लगा के, तो उनको अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अपना, अपने को रिस्पेक्ट दिया है। जब आप लोगों को डिसीजन में इंक्लूड करते, जो कि निर्णय लेते हैं आप कंपनी में, उसमें लोगों को इंक्लूड करना, उनका एडवाइस लेना, उनका सलाह लेना, समझो कोई डिसीजन लेना है तो मीटिंग में बैठे हुए और लोगों को पूछ रहे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है, भले आपको जो करना बाद में वो करो, मगर लोगों को जब आप पूछते हो, उन्होंने जो बोला हो सुन के लेते हो, वो काम का होगा तो अपनाते हो, तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं डिसीजन मेकिंग में हमको इन्वॉल्व किया था, ऐसा उनको लगता है। फिर किसी को किसी से मतलब लिपा छिपी का गेम नहीं करना है, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट रखना है, कोई कुछ तो भी गुप्तगु हो रही है, या किसी के बारे में उसके अपसेंटी में बोले जा रहा है, गॉसिपिंग हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, कि ऐसा करते हैं तो फिर मान सम्मान नहीं होता है, एक्चुअली फिर उसको डाउट आता है। कोई समझो कोई एखादे व्यक्ति को बॉस ने अंदर बुलाया, चैम्बर में बुलाया, तो बाकी लोगों को लगता है कि भाई ये अंदर बुला के क्या कर रहे हैं इनके साथ में, ये क्या हो रहा है इसका, मतलब आपस में उनकी लग जाती है, और बाकी लोगों को लगता है कि बॉस ये क्या बोल रहा है, इसको क्या नहीं बोल रहा हूँ, फिर बाद में उसकी गॉसिपिंग हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, और जब आपका चैम्बर जो है वो यदि पूरा कांच का रहा तो लोग मालूम है कि भाई अंदर जाके क्या कर रहा है ना, तो एक वो भी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही जरूरी है। फिर लोगों को उनके पहले नाम से बुलाना, फर्स्ट नेम से बुलाना, है ना, या ऐसा कोई, और उनके या तो उनको पूछना कि भाई आपको कौन से नाम से बुलाया तो अच्छा लगेगा, और वो नाम से आप उनको पुकारते हैं, क्योंकि हर एक को अपना अपना नाम बहुत प्यारा लगता है, तो वो नाम से पुकारना वो भी एक अच्छा लक्षण है, और वो भी लोगों को अच्छा लगता है। फिर आप किसी को कोई एक नया प्रोजेक्ट देते हो, नया काम देते हो, तो उसको बुला के, उसको पूछ के, उसको क्वेश्चंस करके, एक असेसमेंट करके कि क्या वो काम करेगा, क्या वो काम ये कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी है, उसको समझ में आया है काम कैसे करना है, मतलब ऐसा उसको वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके फिर उसको वो प्रोजेक्ट सौंपना, ये भी एक रिस्पेक्ट का तरीका हो सकता है। जब आप लोगों को मान सम्मान देते हो लोगों में, मतलब किसी की तारीफ़ करना कि उसने अच्छा काम किया, ये सबके सामने उसकी तारीफ़ करते हो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और आपको यदि कुछ उसको नकारात्मक बोलना है, निगेटिव बोलना है, डांटना है, जो भी कुछ करना है, तो वो अकेले में करना है,
यानी मान जो है उसका वो लोगों के सामने मान सम्मान करना है, अपमान जो करना है वो कमरे में करना है, तो वो भी लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं भाई अपने को सबके सामने अपनी ऐसी तैसी नहीं किया, अपनी बेइज्जती नहीं किया। और फिर सभी एम्प्लॉय यदि फ्री है आपके पास में आने के लिए, आपसे कोचिंग लेने के लिए, आपको पूछने के लिए कि जो आप कैसा करना है, तो एक विश्वास का वातावरण निर्माण होता है, एक फ्रीडम मिलता है लोगों को कि नहीं भाई बॉस डांटेगा नहीं। और फिर ये भी वातावरण है कि कोई गलती हो गई तो आके वो एम्प्लॉय आपके पास में खुला बोलता है कि मेरी गलती हो गई, ये मेरे से नुकसान हो गया। मतलब ऐसा छुपाने का नहीं है कि भाई नुकसान हो गया तो कोई छुपा देगा, मालूम ही नहीं किसने किया, तो ऐसा नहीं करने का है, छुपाना नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी हो गया वो बताता है कि भाई फ्रीडम है कंपनी में, गलती हो गई ठीक है आके बोल देता है कि भाई गलती हो गई। अभी एक कंपनी में भी हमारे क्लाइंट ही है बैंक के, तो उनके यहाँ का जो उनका मेन जो था CEO, तो उसने ऐसा काम किया कि उसमें वो कंपनी की 5 लाख का नुकसान हो गया। अब यूजुअली क्या होता है, 5 लाख का नुकसान हो गया तो भाई तुम्हारे से मैं भर के दूंगा, तुमको भी ये करना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा, या मैं तुमको फायर करूंगा, फिर ऐसा मतलब उसके ऊपर डांट फटकार नॉर्मली ऐसी होती है। वो जो था कर्मचारी जो CEO था वो बोले, खुद ही वो बोले कि नहीं नहीं मैं है ना अभी काम छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को काम नहीं करना है, मेरी गलती हो गई, मुझे बुरा लग रहा है, मैं ये काम के लायक नहीं हूँ और मैं भी जा रहा हूँ छोड़ के। आपको क्या लगता है मालिक ने क्या किया होगा? मालिक ने उसको रखा, बोले अभी तुझे ये एक्सपीरियंस आ गया कैसा फटका बैठता है, अब ये एक्सपीरियंस वाला आदमी मैं छोड़ना नहीं चाहता, ये अभी जाएगा तो और कहीं जॉब करेगा, पेमेंट मैंने दिया तेरे सीखने के लिए, अब तू जाके वहाँ उसको फ़ायदा करवा के देगा, ये मेरे को नहीं चलता नहीं, अभी तू मेरे यहाँ ही रहेगा। उसने वो CEO को रख लिया अपने यहाँ, बोले अभी तो इसको सीख मिली है, अभी तो सीखा हुआ है, अभी उसके ऊपर मैंने खर्चा किया 5 लाख का, अभी वो मेरे यहाँ रहेगा। उसका एक रुपये भी काटाने कुछ भी नहीं किया, और संबंध भी अच्छे हो गए, उसको भी रिस्पेक्ट मिला, सीखना मिला, और सभी अच्छा हो गया, और वो उसको एक अच्छा आदमी मिला कि जो अभी मतलब गलती करने के बावजूद भी वहाँ है, गलती हो गई जानबूझ के नहीं किया हुआ है, अभी उसको ऐसा एक्सपीरियंस आदमी मिला कि वो दोबारा गलती करेगा नहीं, बॉस ने इतने बोला कि दोबारा ये गलती नहीं करने का, बस इतना ही कंडीशन, दोबारा गलती करेंगे तेरे से भर के लूँगा, ये भी पैसा भर के लूँगा। तो इस तरह का जो जब मान सम्मान लोग मिलता है, इस तरह का जो ट्रीटमेंट मिलता है, तो एम्प्लॉय की जो फीलिंग है वो एक कंपनी के प्रति बहुत अच्छी रहती है, और जब फीलिंग अच्छी रहती है, जब उनका एक ईगो सेटिस्फाई होता है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, उनका उनको एक पहचान बनती है, तो टीम बहुत ज़ोर से आगे बढ़ती है, बहुत भागती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, जिनके जिनको प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को टिकाने का, एम्प्लॉयज़ के हाथ में कैसे बर्ताव करने का, एम्प्लॉयज़ कैसे प्रॉब्लमेटिक है ऐसा उनको लगता है, उसका उनको कैसा मैनेज करना, को डेफिनेटली ये काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।